Assalamualaikum everyone. तो आज हम पढ़ेंगे ये वाली वीडियो में जो कल थोड़े पहली पिछली वीडियो में पढ़े थे, एक दगी पढ़े थे. उसके बाद हम पढ़ेंगे आई से पढ़ेंगे. ठीक है एवरीवन, कैन यू सी दैट? दिख रहा है ना आप लोग को वो? ओके, ये मैं सिर्फ आप लोग को एग्जांपल के लिए ये रखी हूँ. तो हमारा पहला अक्षर है मतलब आज की वीडियो का आई. ठीक है, आई का अक्षर है. तो आई के अक्षर में पहले आएगा बा को आई की मात्रा बैल, ला बैल. ठीक है, बैल हो गया. उसके बाद आई की मात्रा के शब्द कितना रहेगा हमारा? हैला. ठीक है, हैला. उसके बाद आएगा पैर. बा को आई की मात्रा पैरा, पैर. ओके, देन नेक्स्ट वन सैनिक. आई की मात्रा लगा के लिखना सही, ना कुछ छोटी की मात्रा नहीं. गणित सैनिक, गणित इसको आई की मात्रा बोलो. आई की मात्रा, ये भी आई की मात्रा है, ये भी आई की मात्रा है. गणित एवरीवन, आया समझ में? उसके बाद हम लेंगे कौन सा अक्षर है ओ. ओ की मात्रा भी पांच होती थी. देखो इधर ही है, इसके शब्द लिखना है था. ठीक है, अब इसके शब्द है मोर. माकू ओ की मात्रा मो ना मोर. और ओ की मात्रा के शब्द है कोयल. को या लायल, कोयल. ठीक है, और उसके बाद है तोता. ताको की मात्रा तो, ताको की मात्रा ता. तोता, तोता हो गया. उसके बाद है ढोल. धातु ओ की मात्रा ढो ला. ढोल मतलब ड्रम. ओके, तो ये हो गई हमारी ओ की मात्रा. यहाँ पर है देखिए, ये सारी ओ की मात्रा है. हम आपको पूरा ऐसा लगा के लिखना पड़ता है. ठीक है, आगे लास्ट की ओर क्वेश्चंस. मैं जब क्वेश्चंस पूछूंगी सबको आंसर देना पड़ेगा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारी औ. ओ हो गया, ओ के बाद में औ. औ की मात्रा भी यही है, बाजू. बिल्कुल बाजू में रहती उसकी भी मात्रा, राइट, जैसा ओ के साथ थी. हाँ, आया ना समझ में? इसके बाद हम लेंगे औ की मात्रा. औ की मात्रा के वर्ड क्या क्या रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल नौका. नौका, नौका मतलब बोट. बोट रहती ना, शिप और बोट, उसको बोलते हैं नौका. उसके बाद है पौधा. बट पौधा, पौधा. उसके बाद कौवा. कौवा देखो, कौवा. उसके बाद है लौकी. लौकी मतलब कद्दू को बोलते. वर्डेड आया समझ में? ये हो गए औ की मात्रा कैसा लगा. सी, ये है हमारे औ की मात्रा. वर्डेड एवरीवन, आया समझ में? कैसा वर्ड्स में लग जाती, शब्द में लग जाती है सारे मात्राएं. ठीक है, उसके बाद औ के बाद है कौन सा अक्षर हमारा? अम का अक्षर. ठीक है, अम. अम से क्या आता है? अम से आएगा हम. अम से आएगा हमारा अंगूर. अम ऊपर बिंदु, लाखों की मतलब राहुल अंगूर. और आएगा रंग. रा ऊपर बिंदु रंग, रंग. और एक है हमारा झंडा. झ ऊपर बिंदु झन, डॉ की मात्रा ड. झंडा, गॉट इट? इसके तीन ही शब्द लेंगे हम लोग, अंगूर, रंग और झंडा. उसके बाद कौन सा है सबसे आखिरी? आहा की मात्रा. आहा की मात्रा,
उनकी मात्रा अम की मात्रा। व्हाट डिड एवरीवन, आए समझ में? नाउ सी, अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके चलिए, ये है आई। आई की मात्रा है बैल, थैला, पैर, सैनिक। इसके बाद है ओ। ओ की मात्रा में मोर, कोयल, तोता, ढोल। फिर उसके बाद आएगा आ। औ की मात्रा नौ का पौधा, कौवा, लौकी। इसके बाद आएगा अम। अम से अंगूर, रंग, झंडा। अब ये न की आवाज आ जाती है इसमें, बिंदु बोलते ना इसको बोलते, और अनुस्वार बोलते। ये है आह, प्रातः, नमः, पुनः, बोल के ऐसा करके पढ़ते। व्हाट डिड एवरीवन, सो यू हैव टू रीड दिस विद योर पेरेंट्स। पेरेंट्स ने साथ बैठ के लिखी है। एंड आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू इन एवरी वीडियो दैट यू हैव टू राइट नीट हैंड राइटिंग। नीट हैंड राइटिंग के साथ आई वॉन्ट होमवर्क, सबके होमवर्क भी नीट हैंड राइटिंग के साथ चाहिए। और गिव वन फिंगर स्पेस एंड टच द ब्लैक लाइन एंड राइट। ओके एवरीवन, नाउ अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आई विल टीच यू इन अनदर वीडियो अदर। ओके।